हाय गाइस, स्टॉप इट मिस्टर उल्फ का ये लास्ट पार्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूजिन को बहुत सारे पावर्स मिल के रहते हैं, तो चेक कर रहा होता है वो। जब वो ड्रीम लैंड में जाने का पावर चेक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सैन आ जाता है और हम देखते हैं ड्रीम लैंड में पहुँच चुका है। एंड वहाँ पे हम देखते हैं छोटे सैन को जो रो रहा होता है। ये उसके पास जाता है, पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम काई को रो रहे? तो वो बोलता है कि मैं घर से भाग आया हूँ और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। फिर ये उसे कन्विंस करता है कि बच्चे घर से भागना नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं होती, तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे। तो ये उसे कन्विंस करके उसे उसके घर तक लेके जाता है। जब ये डोर खोलता है तो उसके पप्पा रहते हैं, बोलते हैं तू कहाँ था तब तक अब तक? तो वो बोलता है कि पप्पा मैं घूम गया था, ये भैया मुझे हेल्प करे घर पहुंचाने के लिए। तो बोलता है कि ठीक है अंदर आ। वो यूजिन के ऊपर कार्ड फेंकता है, बोलता है जो अपने जितने पैसे चाहिए ले लियो। तो ये डोर बंद कर देता है, यूजिन इनविजिबल हो जाता है और वो अंदर जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पप्पा बेल्ट से छोटा सैन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। इसे अब रियलाइज़ होता है बच्चा घर से भागा कहीं को। फिर ये उसके पास जाता है, उसका टेक केयर करता है और पूछता है तुम कौन हो? तो यूजिन बोलता है कि मैं एंजेल हूँ। तो बोलता है कि क्या तुम मेरी एक विश पूरा करोगे? तो यूजिन पूछता है तुम्हारा विश क्या है? तो बोलता है कि मुझे ड्राइंग बनाना है और मम्मी के पास जाना है। तो बोलता है ठीक है। तो वो दोनों मिलके ड्राइंग बनाते हैं। छोटे बच्चा सैन बहुत टैलेंटेड होता है, उसका ड्राइंग बहुत ही अच्छा रहता है। तो यूजिन बोलता है ठीक है चलो अपन तुम्हारी मम्मी के पास जाते हैं। वो उसके पास जाते हैं, उसकी मम्मी जब उसकी ड्राइंग लेती है वो फाड़ के फेंक देती है, बोलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, यहाँ से चले जा। जिससे वो छोटा बच्चा रोने लगता है। यूजिन गुस्से में बोलता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अपने बच्चे से ऐसे बात करते हो? तो वो गुस्से में बोलती है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। जैसे कि छोटे सैन की जो मदर होती है, उसके किसी के साथ अफेयर होता है तो उससे उसको एक बच्चा होता है, तो वो सिर्फ उसे अपना बच्चा मानती है और सैन से नफरत करती है, जिससे छोटा सैन रोने लगता है। और दूसरे सैन हम देखते हैं जब वैंग ड्राइंग करके दिखाता है तो वो बहुत खुश होती है, उसे अप्रिसिएट करती है। जो छोटा सैन देख लेता है वो बेचारा रोने लगता है, यूजिन को बहुत बुरा लगता है, उसके पास जाता है एंड वो उसे हग कर लेता है। वो दोनों साथ में घूमने जा रहे होते हैं, यूजिन देखता है सैन को जो छोटे यूजिन को लेके रहता है। वो मतलब अभी जो सैन है उसके पास छोटा यूजिन है, जो यूजिन है उसके पास छोटा सैन है। यूजिन सैन को पूछता है कि तुझे मैं कहाँ मिला? तो सैन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक ऑर्फनेज के पास था, क्योंकि यूजिन एक अनाथ बच्चा होता है ना, तो वहाँ पे देखता है कि छोटा यूजिन किसी को मार रहा होता है। तो ये उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि बच्चे कहीं को मार रहा है उसे। तो बोलता है कि वो बंदा रोज़ गैंग अप करके मुझे मारा करता था, आज मैं उसे अकेले देख के रिवेंज ले रहा था। तो सैन बोलता है कि फ़ाइट करना अच्छी बात नहीं होती। तो ये उसे बोलता है कि ठीक है तुम बहुत स्ट्रांग और क्यूट हो, तुम अब से मेरे बॉस हो, ठीक है मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, बट तुम्हें वो बंदे को वार्न करना होगा कि वो मेरे से पंगे ना ले। तो हम देखते हैं बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है। वो बच्चा जाते हुए यूजिन को चिढ़ाता है कि तू बहुत अनलकी फेल हुआ है, तुझे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। तो सैन बोलता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँगा। छोटा यूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सैन को हक कर लेता है। सो सैन सो कॉल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके छोटे यूजिन को अडॉप्ट कर लेता है। सो यूजिन को बहुत अच्छा लगता है कि सैन ने उसे अडॉप्ट किया। चलो ड्रीम वर्ल्ड ही है तो क्या हुआ, अडॉप्ट तो किया। हम देखते हैं छोटे बच्चे दोनों लड़ने लगते हैं। छोटा सैन बोलता है कि मेरा एंजल स्ट्रांग है और छोटा यूजिन बोलता है कि ना ना मेरे बॉस स्ट्रांग है। तो दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे यूजिन आता है और बोलता है कि कोई स्ट्रांग नहीं होता, स्ट्रांग वो होता है जो सबसे अच्छे से बात करे, सबका रेस्पेक्ट करे और सबके साथ फ्रेंडली रहे। तो तुम दोनों दोस्ती करोगे तो तुम दोनों स्ट्रांग रहोगे। तो बोलता है ठीक है, दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो यूजिन बोलता है कि तुम्हारा चाइल्डहुड तो बहुत ही क्या बोलते स्ट्रगलफुल था। तो बोलता है कि सिंपथी मत दे बेटा। तो उसका हाथ पकड़ता है और यूजिन बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रेजेंट लाइफ बहुत खुशियाँ भरा हो। एंड ये चारों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते, तभी वहाँ पे टूटता तारा दिखता है। यूजिन बोलता है कि हमें विश करना चाहिए, जो भी तुम लोग बोलोगे ये टाइम पे पूरा होगा। तो छोटा सैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि एंजल मेरी माँ हो, और छोटा यूजिन बोलता है मैं चाहता हूँ कि बॉस मेरे हमेशा के लिए पप्पा रहे। तो यूजिन पूछता है कि सैन तुमने क्या मांगा? तो सैन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन हम देखते हैं यूजिन मांगता है कि सैन हमेशा खुश रहे, और सैन मांगता है कि यूजिन हमेशा खुश रहे। दोनों एक दूसरे के लिए मांगते हैं। तो
सुबह में हम देखते हैं छोटे सैन को एक लड़की आती है, वो उठा के लेके चली जाती है। यूजिन पूछता है कई को बंदी लेके चली गई, तो सैन सैड फेस बना के बोलता है क्योंकि मेरी माँ मुझे यूज़ करती है वो टाइम पे, लाइक वैंग की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरा ब्लेड वो लेती है, वो टाइम पे तो मैं मरने वाला था। तो यूजिन बोलता है हमें बचाना चाहिए तुम्हें, और हम देखते हैं उसकी मदर छोटे सैन को यूज़ करती है, वो लोग फुल टू उसके बॉडी में से ब्लड निकाल रहे होते हैं। छोटे सैन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी मदर वैंग को बचाने के लिए उसका यूज़ कर रही, और उसकी हालत भी गंभीर हो जाती है। तभी वहाँ पे सैन और यूजिन आ जाते हैं। यूजिन उसकी माँ की हाथ पकड़ता है, बोलता है तू कैसी माँ है, उसको बचाने के लिए तू दूसरे बच्चे को सेक्रीफाइस कर रही है। उसको ज़ोरदार धक्का देता है जिससे सैंग उसके पास आके किस करने लगता है। वो बोलता है पागल है, यहाँ पे छोटे सैन और छोटे यूजिन है, तुझे अक्कल नहीं है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ड्रीम लैंड से बाहर आ चुके हैं, एंड जब वो उठते हैं वहाँ पे एक टेम्पल अपीयर होता है। फर्स्ट टाइम वो टेम्पल अपीयर होता है वहाँ पे कुछ काइंड ऑफ हाथ का सिंबल रहता है, जब वो उस पर हाथ रखता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे एक रिंग मिलता है। वो रिंग किसी को नहीं मिला होता, इसको ही फर्स्ट टाइम मिला होता है। तो वो लीडर को दिखाता है, लीडर बोलता है कि तुमको ये रिंग सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स तुम अब से वाटर काइंड के किंग हो। सैन सोचता है कि वाह वाह वाह, मेरा बॉयफ्रेंड अब किंग रहेगा। तो वो लोग उसके ड्रेसिंग के लिए उसका नाप ले रहे होते हैं, तो जो सैन है उसको जलसी फील हो रहा था, तो वो बोलता है कि इसका नाप कोई नहीं ले सकता, इसका नाप सिर्फ मैं ले सकता हूँ। तो वो उसका नाप लेता है, एंड हम देखते हैं किंगगिरी स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है कुछ काम के लिए, एंड वो देख लेता है कि यूजिन तो जिंदा है। ये सोचता है कि ये जिंदा है तो ये किंग कैसे बना। सो वो रात में उसके पास जाता है, तभी वहाँ पे सैन आ जाता है, तो उसको देख के वो छुप जाता है और सोचता है कि ये दोनों साथ में हैं। इसे बहुत गुस्सा आता है कि दैट मीन्स ये दोनों ने इसको धोखा दिया। तो जैसे कि यूजिन वहाँ पे क्या बोलते हैं टीजरगिरी करता है, तो सैंग भी उसकी हेल्प करता है, दोनों को साथ में खुशियाँ बांटते हुए देखते हुए वैंग को बहुत गुस्सा आता है, बोलते कि ज़्यादा टाइम तक तुम नहीं रह सकते। हम देखते हैं सैन यूजिन को मसाज दे रहा होता है क्योंकि वो बहुत थक गया होता है, और बोलता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं थे लेकिन तुम्हारे वजह से अब मुझे बच्चे पसंद है। तो वो सो के रहता है, तो सैन उसे उठाता है और बेड पे सुला देता है। वो सुला के वहाँ से चले जाता है, तभी वहाँ पे वैंग आता है। जब वो उसे टच करता है जिससे यूजिन उठ जाता है, उसे ज़ोरदार किक मारता है, बट वैंग उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सैन आ जाता है और वो उसे ज़ोरदार पंच मारता है, तो अपना सांप वाला रूप लेता है, वहाँ से भाग पड़ता है। तो सैन उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और यूजिन उसे हग कर लेता है। तो हम देखते हैं वैंग सैन को किडनैप करके है, एंड उसको पूछता है कि ड्रैगन स्टोन की कहाँ है, तो नहीं बताता, तो उसे बहुत ही बुरी तरह वो मारता है। सो जैसे कि सैन कुछ नहीं बोल रहा होता तो वो उसे फांसी लगाने ही वाला था, तभी वहाँ पे यूजिन आ जाता है, एंड सैन वैंग को बोलता है कि देख भाई मुझे बीस्ट मास्टर नहीं बनना है। तो वो यूजिन के कान में से वो ड्रैगन स्टोन की निकाल के वैंग को दे देता है और बोलता है कि तू बन मास्टर किंग, जिससे वैंग को बुरा लगता है कि मास्टर किंग तो बन जाएगा लेकिन इसके पास यूजिन नहीं रहेगा। तो जो यूजिन है वो सैन को उड़ाता है, और हम देखते हैं दोनों इंटीमेट होते हैं। तो लास्ट टाइम वैंग यूजिन से मिलता है, वैंग यूजिन को पूछता है कि मैंने भी तो तुमसे प्यार किया था, देन तुमने मुझे ना चूज़ करके सैन को कहीं को चूज़ किया। तो यूजिन बोलता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन सैन के अंदर जो काइंडनेस था ना वो कम नहीं हुआ, और मेरे ऊपर प्यार कम नहीं हुआ, तुमने मुझे और बीस्ट मास्टर का जो पोस्ट था दोनों को चूज़ करना चाहा, लेकिन उसने जो बीस्ट मास्टर का जो टैग था उसे छोड़ दिया मेरे लिए, और तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, वो गुस्सा को तुम कम कर दो ना तुम बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाओगे। एंड अदर थिंग इज़ दैट आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे जो तुम मेरे लिए तुम्हारा जो प्यार है उसके लिए मेरे को रेस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट, जस्ट तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। तो वैंग को समझ में आता है उसकी गलती कि इसने बहुत बुरा बिहेव किया यूजिन के साथ, तो ये यूजिन को सॉरी बोलता है, एंड वो लास्ट टाइम उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। तो सैन पूछता है कि यूजिन अब तो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा ना, तो यूजिन बोलता है कि ना ना अब तो नहीं करेगा। सो गाइस यहाँ पे स्टोरी एंड होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। तो इसमें क्या पॉइंट है कि कभी भी अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहो तो ये देख लिया करो कि उससे
तुम्हारा जो जोश है, तुम्हारा जो काइंड ऑफ घमंड है, तुम्हारा जो पाने का जुनून है, उससे किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि अगर तुम किसी को हर्ट करके वो चीज़ पा भी लो तो क्या फ़ायदा? जब तुम्हें पॉइंट रियलाइज़ होगा कि कोई हर्ट हुआ, तो जो हैप्पीनेस मिलेगी ना आधी अधूरी होगी। तो सबके साथ रहो, कुछ भी पाना है तो सबके सपोर्ट में वो पा के दिखाओ, कुछ भी रहने दो। तो आई होप तुम्हें यहाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, एंड बाय बाय।